आप देख रहे हैं ARPV चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सैयद शाह के साथ ARTV पर वर्ल्ड न्यूज़। अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के ज़रिए नहीं बल्कि आज़ाद तंजीमों के ज़रिए लोगों को इंसानी इमदाद की फराहमी जारी रखेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने यह बयान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। ब्लिंकन ने पीर को कहा कि अमेरिकी अफगान आवाम को इंसानी इमदाद फराहम करते रहेगा। उन्होंने कहा, तालिबान पर हमारी पाबंदियों की वजह से यह इमदाद हुकूमत के ज़रिए नहीं बल्कि अक़वामे मुत्तहिदा की एजेंसियों और गैर सरकारी तंजीमों के ज़रिए फराहम की जाएगी। ब्लिंकन ने कहा कि इस बात का कोई इम्कान नहीं कि तालिबान अफगानिस्तान में इंसानी इमदाद के कामों में रुकावट डालेगा। दरअसना तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान से अमेरिका फ़ौज की वापसी के बाद काबुल हवाई अड्डे से जल्द ही परवाज़ें बहाल कर दी जाएगी। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, हमारी टीम शहरी हवा बाजी के लिए हवाई अड्डे पर काम शुरू करने की तैयारी कर रही है और जल्द ही घरेलू और बैनुल अक़वामी परवाज़ें बहाल कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे पर काम की बहाली से मुतालिक ज़्यादातर टेक्निक का नुकसान पहुँचा है जिसे दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। इससे कबल तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान मोहम्मद नईम ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट से परवाज़ें दोबारा शुरू करने हमारी तरजीहात में शामिल है। हमारा मकसद घरेलू और बैनुल अक़वामी परवाज़ें बहाल करना है। बैनुल सूबिया घरेलू परवाज़ों को तजारती नुक्ता नज़र से दोबारा शुरू करने की ज़रूरत है। हम उन परवाज़ों को जल्द अज जल्द शुरू करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका का अफगानिस्तान से इनखला मुकम्मल हो गया। अमेरिका वजारत दिफा ने एक तस्वीर जारी की जिसके बारे में कहा गया है कि ये अफगानिस्तान छोड़ने वाले आखिरी अमेरिकी फौजी हैं। इस हवाले से तफसीलात देते हुए उनका कहना था कि ये मेजर क्रिस डोनाहो है जो अमेरिका से रवाना होने वाले आखिरी C-17 तैयारे में सवार हो चुके हैं। अमेरिका 20 साल बाद अफगानिस्तान से निकल गया है। अमेरिका ने डेडलाइन से एक दिन पहले इनखला मुकम्मल कर लिया और हामिद कज़ाई एयरपोर्ट से आखिरी 3 अमरीकी जहाज रवाना हुए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक आला सतह ग्रुप तश्कील दिया है जिसमें वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल और आला अहदेदार शामिल है ताकि अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल में हिंदुस्तान की तजारत पर तवज्जो मरकज़ की जा सके। अफगानिस्तान में हिंदुस्तान की सरमायाकारी और कई मनसूबों के पेश नज़र हिंदुस्तान के मफादात अफगानिस्तान से गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं, लिहाजा ये एक बहुत अहम कदम समझा जाता है। ज़राए के मुताबिक ये ग्रुप तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्ज़े के बाद बदलती सूरत हाल के पेश नज़र तश्कील दिया गया है, हिंदुस्तान की पॉलिसी और विजन के मुताबिक बनाया गया है। इस ग्रुप का काम अफगानिस्तान में रोज़मर्रा के पेश रफ्तार और हिंदुस्तान पर इसके असरात पर नज़र रखना है। ये ग्रुप पिछले कुछ दिनों से बाकायदगी से मीटिंग कर रहा है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वर्धा ने उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बुखार की वजह से बच्चों और बुजुर्गों की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए योगी आदित्यनाथ हुकूमत को निशाना बनाया है। प्रियंका ने पीर को इस मसले पर एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, फिरोजाबाद, मथुरा, आगरा और यूपी के दीगर मुकामात पर बुखार की वजह से बच्चे समेत कई लोगों की मौत की खबर अफसोसनाक है। यूपी हुकूमत को फौरी तौर पर सेहत के निज़ाम को स्मार्ट बनाने कर इस बीमारी को रोकने की कोशिश करना चाहिए। बीमारी से मुतासरा लोगों की बेहतर इलाज के लिए भी इंतजाम किए जाएं। सऊदी वजारत हज और उमरा का कहना है कि उनका मुल्क कोरोना वबा से कबल तयशुदा कोटा के मुताबिक उमरा ज़ायरीन की मेज़बानी के लिए तैयार है। अरब वेबसाइट के मुताबिक सऊदी वजारत हज और उमरा के नायब वज़ीर डॉक्टर उमरो अल मदा ने कहा है कि उमरा सीज़न का आगाज़ से अब तक ज़ायरीन को सहूलियात फराहम करने में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। इस हवाले से मोबाइल एप्लीकेशन को मुसलसल अपडेट रखा जा रहा है ताकि हज और उमरा ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत बर वक्त मैसर
आ सके। डॉक्टर उमरा अल नदा ने कहा है कि वजारत हज हर मुल्क के लिए मख्तस कोटे के मुताबिक उमरा जायरीन को संभालने की अहलियत रखता है और कोरोना से कबल की सूरत हाल बहाल होने की सूरत में हमें किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। वाज़ेह रहे कि सऊदी हुकूमत ने हज और उमरा जायरीन की सहूलत के लिए मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ किया है। उनमें आजमीन की शिनाख्त और सहूलियात के बारे में मुकम्मल मालूमात महफूज होते हैं। उन एप्लीकेशन की मदद से आजमीन को रिहायश से रवानगी के औकात और जमा होने की जगह के बारे में आगाह रखा जाता है। तालिबान के नायब तर्जुमान बिलाल करीमी ने बताया है कि तंजीम के सुप्रीम लीडर हैबतुल्ला अफगानिस्तान में मौजूद हैं। वाज़ेह रहे कि तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्ला, जो कभी आवाम सतह पर सामने नहीं आए, अफगानिस्तान के शहर खंदार में मौजूद है। बिलाल करीमी ने बताया है कि मैं तस्दीक कर सकता हूं कि वो खंदार में है और जल्द ही वो आवाम के सामने आएंगे। ख्याल रखें कि अफगानिस्तान पर कंट्रोल के बाद से तालिबान के अक्सर रहनुमा काबुल वापस आ गए थे। ये पहला मौका है कि तालिबान की किसी तर्जुमान ने हैबतुल्ला अफगानिस्तान में मौजूदगी की तस्दीक की है। अफगानिस्तान में तालिबान के तहरीक के बानी और साबिक सुप्रीम कमांडर मुल्ला उमर की वफात के बाद मुल्ला अख्तर मौसूर को तहरीक का सरबराह मुकरर किया गया था, जो बाद में अमरीकी ड्रोन हमले में हलाक हो गए थे। शादी को 47 साल हो गए मगर कभी भी बीवी की शक्ल नहीं जान सका, एक शख्स की ज़िंदगी की अजीबोगरीब दास्तान। शादी ऐसा रिश्ता है जिसमें दोनों मियां बीवी के दरमियान प्यार, मोहब्बत और रवादारी का रिश्ता दिगर तमाम रिश्तों से ज़्यादा होता है। हर मज़हब और शफ़क़त के एतबार से बीवी को देखने का हक़ सिर्फ शौहर का होता है, लेकिन एक ऐसा शख्स की अजीब व गरीब कहानी भी हम आपको बताने जा रहे हैं जिसने शादी के कई साल के बाद भी बीवी की शक्ल नहीं देखी। सोशल मीडिया पर वायरल एक बुज़ुर्ग शख्स के इंटरव्यू की वीडियो बहुत वायरल हो रही है, जिसमें वो बताते हैं कि मेरी शादी को 47 साल हो गए हैं, मेरे 10 बच्चे हैं, मगर मैंने आज तक अपनी बीवी की शक्ल नहीं देखी। ये सुनकर आपको भी हैरत हो रही होगी कि ऐसे कैसे मुमकिन है, मगर सऊदी अरब के कुछ इलाकों और गाँव देहात में ऐसे पुरानी रसूमात आज भी पाई जाती है, जहां औरत का पर्दा इसके लिए सब कुछ होता है। यहां तक कि औरतें अपना चेहरा भी किसी के सामने नहीं दिखाते हैं। यही वजह है कि इस शख्स की बीवी ने आज तक इसको अपना चेहरा नहीं दिखाया। सऊदी अरब और यमन के कुछ खित्तों, खुसूसन मगरिब के इलाकों में खवातिन का चेहरा अपने खाविंद और भाइयों से भी छुपाने का रिवाज है। यही वजह है कि सिर्फ ये बुज़ुर्ग शख्स ने बल्कि उन जैसे लाखों मर्दों ने अपनी बीवियों के चेहरे कभी नहीं देखे। नाज़रीन, आप देख रहे थे एआरटीवी पर वन न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं एआरटीवी चैनल। शहर हैदराबाद मुकाम मलकपेट में पाको मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी का आगाज अवल में आ चुका है, जहां पर कराटे, मुथाई, किक बॉक्सिंग, फुल कॉन्टैक्ट, थाई बॉक्सिंग और एमएमए की तरबियत दी जा रही है और लड़कियों के लिए सेपरेट बैचेस का भी इंतजाम है। सैयद इफ्तिखार हुसैन की जेरी निगरानी में इस एकेडमी से जुड़कर काफी स्टूडेंट इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। एडमिशन जारी है। हमारा पता एसके प्लाजा फर्स्ट फ्लोर बिसाइड टॉपिंग टाउन होटल मलकपेट रेलवे स्टेशन हैदराबाद। तस्वीरें खींचना भी कहलाता है फनकारी, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। तकारीब, शादी ब्याह या फिर रिश्ते के लिए हो, आपको तस्वीरें बनवाना, चले आइए एआर कैम एंड स्नैप स्टूडियो। मर्दाना वजाहत को करना हो आश्कार या फिर खूबसूरती को करना हो तस्वीरों में दोबाला, खिंचवाएं अपनी तस्वीरें प्रोफेशनल से, जिनके हाथों और कैमरे का हुनर आपको कर देगा हैरान। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए सारे शहर में मशहूर, जहां किया जाता है उम्दा कागज का इस्तेमाल। एआर कैम एंड स्नैप स्टूडियो तमाम तरह की वीडियो फोटोग्राफी के लिए रब्त पैदा करें इस नंबर पर
9246241118। पता: AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो, मलकपेट, हैदराबाद।